बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने रविवार देर रात को बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद अब उनकी बेटी का नाम सामने आ गया है। बता दें, ईशा देओल और भरत तख्तानी ने अपनी बेटी का नाम राध्या रखा है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ने अपनी बेटी का नाम पहले से ही सोच रखा था और उन्हें तो केवल घर जाकर अपनी बेटी का नाम अनाउंस करना था। कमरे की हो गई है सजावट। जानकारी के मुताबिक ईशा और भरत के बेटी की कमरे की सजावट भी की जा चुकी है और कमरे को नेचर थीम पर सजाया गया है। गौरतलब है कि राध्या का नाम अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी के नाम राध्या से काफी मिलता जुलता है। इन दोनों ही नामों का एक ही अर्थ है। दोनों ही नामों का मतलब आराधना करना या पूजा करना है। 2012 में हुई थी शादी। बता दें, प्रेगनेंसी के दौरान ईशा अपने बेबी बम को लेकर खासी सुर्खियों में रही थी। उनकी प्रेगनेंसी की फोटो सोशल मीडिया काफी पसंद भी की गई थी। गौरतलब है कि फरवरी 2012 में ईशा ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से साथ सगाई की थी। इसके तकरीबन कुछ महीनों बाद यानी जून 2012 को साथ फेरे लिए थे। शादी में बॉलीवुड के कई स्टार्स शामिल थे। ईशा धूम, नो एंट्री, आंखें, कैश, संडे जैसी कई फिल्मों में अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं। साल 2015 में आई थी किल दी यंग में वो आखिरी बार नजर आई थी। दो बार हुई है ईशा की शादी। दोनों ने कुछ वक्त पहले ईशा की गोद भराई में दोबारा साथ फेरे लिए थे। ईशा ने दोबारा शादी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था, जब 29 जून 2012 को मेरी शादी हुई थी तब माँ ने तिरुपति से पंडित बुलाए थे जो सिर्फ तमिल बोल रहे थे और हमारे परिवार और दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया था। ऐसे में इस बार हम सिंधी पंडित लाएंगे जो हिंदी भी बोलेंगे ताकि मेरे ससुराल की तरफ के लोग समझ सकें। बता दें, हेमा दूसरी बार नानी बनी है। दरअसल हेमा की छोटी बेटी आहना देओल ने 11 जून 2015 को बेटे डेरिन वोहरा को जन्म दिया था।